अफ्टरनून। चलिए फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए, आ जाइए आप लोग फटाफट लाइव, और बताइए कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे एक बार फटाफट आप लिख कर बताइए। तो क्या पढ़े थे हम लोग, लास्ट टॉपिक क्या था पिछले क्लास का, पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था बताइए, पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था। सुपर फास्ट चैनल मनीष कुमार बताओ, पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक में क्या बताया था। हैकर बॉय आशीष बताओ, नूनू पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था। सबको गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस, सुपर फास्ट, ग्राफ, ग्राफ के बाद में अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में बताया था। अमर कुमार का जवाब आया ग्राफ, बिल्कुल मैं ग्राफ बताया था, और ग्राफ के बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में बताया था। स्नेहा निधि का भी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है आप लोगों का, बिल्कुल सही है। तो आज जो है, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज मैं एनसीईआरटी से नहीं बल्कि केसी सिन्हा से बताऊंगा, एनसीईआरटी नहीं बल्कि मैं बताऊंगा आप लोगों को केसी सिन्हा से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, समझ गए। तो आज के सेशन में आपका केसी सिन्हा ही चलेगा। देखिए पहले एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि क्या क्या है। तो आपका इस प्रकार से रहता है, क्या रहता है, कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए, और इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग, दो भागों में बांटते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, या लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए एल एच एल एट एक्स बराबर ए आर एच एल एट एक्स बराबर ए बराबर एफ ए, या एफ ए माइनस जीरो एफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ए, या एफ ए माइनस एफ ए प्लस एफ ए। कई सारा तरीका है इसको लिखने का, समझ गए, कंटिन्यूटी के फॉर्मूला को लिखने का कई सारा तरीका है। और एक बार सवाल बनाने से पहले, एक बार सवाल बनाने से पहले मैं सब का सब बोर्ड पे लिख दिया, मैं सब का सब बोर्ड पे लिख दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, समझ गए। और अब हम लोग प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आज एनसीईआरटी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ आज हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा। कोमल रानी, कोमल रानी, अरे ये परवीन नहीं आता है जी आजकल, परवीन लाइव नहीं आता है, परवीन कहाँ है परवीन, कोमल रानी बताओ नूनू परवीन कहाँ है, परवीन आजकल नहीं आता बेटा, परवीन कहाँ है जी, आजकल लाइव देखते हैं नहीं आ रहा है, बताओ नूनू कोमल रानी फटाफट बताओ, परवीन आजकल क्यों नहीं आ रहा लाइव। क्वेश्चन, क्वेश्चन है टेस्ट कोमल, नीतीश कुमार ठीक है, टेस्ट दी कंटी न्यूटी ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन, ओरिजिन फंक्शन बराबर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाय एक्स
व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। हम लोगों को चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। हम लोगों को चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है, और कहाँ पे चेक करना है, तो चेक करना है ओरिजिन पे, यानी मूल बिंदु पे। ओरिजिन का मतलब एक्स जीरो वाई जीरो, ओरिजिन का मतलब एक्स जीरो वाई जीरो। कहने का मतलब है कि एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है। कहाँ पर चेक करना है, तो एक्स बराबर जीरो पे, समझ गए। कहाँ पर चेक करना है, तो एक्स बराबर जीरो पर हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। ओरिजिन का मतलब यही है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोग लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक नहीं है बढ़ रहा है, फटाफट लाइक कीजिए आप लोग, लाइक नहीं बढ़ रहा है। तो जब मॉड रहे ना, जब मॉड रहे तो ऐसे फंक्शन को फिर से डिफाइन करते हैं हम लोग, जब मॉड रहे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। परवीन का डाटा खत्म हो गया है, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। चलो जी, तो सॉल्यूशन एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन और वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, समझ गए, ठीक। मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन है तो इसको हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं, हम लोग इसको फिर से डिफाइन करते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मॉड एक्स जो है आपका माइनस में वैल्यू मिलेगा यदि एक्स लेस देन जीरो है, मॉड एक्स माइनस में मिलेगा यदि एक्स लेस देन जीरो, मॉड एक्स प्लस में मिलेगा यदि एक्स ग्रेटर देन जीरो, मॉड एक्स प्लस में मिलेगा यदि एक्स ग्रेटर देन जीरो, और वन है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, वन है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स 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 खत्म, यानी कि एफ एक्स बराबर माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि इसी को मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो और वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन पे भी वैल्यू वन है और वन पे भी जीरो पे भी वैल्यू वन है, यानी ग्रेटर देन जीरो पे भी वैल्यू वन है और बराबर जीरो पे भी वैल्यू वन है। इसीलिए ऐसे केस में आप दो बार के बजाय चाहे तो एक ही बार आप लिख सकते हैं, दो बार के बजाय आप चाहे तो एक ही बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, तो अब आपको एक रियल लाइन पे इसको दिखाना है, अब आपको इसको एक रियल लाइन पे दिखाना है। जैसे देखिए ये रियल लाइन हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, समझ गए, उस तरफ प्लस इन्फिनिटी और इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, और जीरो से छोटा या बड़ा की बात करता है तो आप जीरो ले लीजिए। इस रियल लाइन पे क्या कीजिए, जीरो ले लीजिए, जीरो से छोटा या बड़ा की बात करता है ना, तो आप जीरो ले लीजिए। जब छोटा है जीरो से, छोटा है यानी कि बराबर नहीं है तो गोल बनाइए, जीरो से छोटा बराबर नहीं है तो गोल बनाइए, और छोटा में हम लोग बाएं तरफ जाएंगे और बड़ा में दाएं तरफ जाएंगे, छोटा में हम लोग बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड जाएंगे, बड़ा में हम लोग दाएं तरफ यानी कि राइट साइड जाएंगे। तो बाएं तरफ आपका नहीं बोल रहा कहां तक जाना है कि हम लोग माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, बाएं तरफ हम लोग कहां जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। इस केस में वैल्यू है माइनस वन, एफ एक्स बराबर है माइनस वन, और जब जीरो के बराबर अथवा बड़ा, जब जीरो के बराबर अथवा बड़ा, जब बराबर रहे तो आपको डार्क कर देना है, जब बराबर रहे तो आपको डार्क कर देना है, और बड़ा की बात करता है तो आपको राइट साइड जाना है, बड़ा की बात करता है तो आपको राइट साइड जाना है, दाएं तरफ जाना है, दाएं तरफ आप प्लस इन्फिनिटी आ जाइए। इस केस में एफ एक्स बराबर वन है, इस केस में एफ एक्स बराबर क्या है, वन,
और आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स बराबर जीरो पे, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स बराबर जीरो पे। तो पहले आप लिखिए एलएचएल, एलएचएल एट एक्स बराबर ए, फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। और फिर आप एच में लिखिएगा, एच में लिखिएगा तो फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, एच में फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, और एक्स में फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ये सारा का सारा फॉर्मूला मैं जब भी क्लास लेता हूँ एक बार जरूर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको समझ में आए। चलिए इसी बात पे मैं एक घूंट पानी पी लूँ, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं ना। चलिए अब देखिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक दिक्कत, एक समस्या आ गई। ये समस्या आ गई कि हम लोगों को तो चेक करना था जीरो पे, हम लोगों को तो चेक करना था जीरो पे, और आपने फॉर्मूला लिख दिया ए पे, आपने फॉर्मूला लिख दिया ए पे, इसीलिए हर एक को मिटाकर आप जीरो कर दीजिए, हर एक को मिटाकर आप क्या कर दीजिए जीरो, हर एक को मिटाकर आप कर दीजिए जीरो। अब देखो बेटा, बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम, जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम। नेहा कुमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म हो गया, एनसीईआरटी अभी शुरू कहाँ किए हैं, अभी तो थ्योरी चल रहा है ना, अभी तो थ्योरी चल रहा है, एनसीईआरटी शुरू कहाँ किए हम। जीरो माइनस मतलब कि जीरो से बाएं तरफ, जीरो से बाएं तरफ आपका वैल्यू है माइनस वन, जीरो से बाएं तरफ आपका वैल्यू माइनस वन, जीरो के बाएं तरफ वैल्यू है माइनस वन, और इसमें तो एच बचा ही नहीं, एच है ही नहीं, तो फिर लिमिट के वैल्यू किसका रखिएगा। तो इस प्रकार से एल एच एल आपका आ गया माइनस वन, एल एच एल आपका आ गया माइनस वन, ठीक है। अब आर एच एल देखिए, आर एच एल एट एक्स बराबर ए, फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला संध्या कुमारी बोल रही है सुपर फास्ट, ए प्लस एच, ए प्लस एच का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, समझ गया, आर एच एल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ गया, आर एच एल का फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। अब देखिए तो क्या हो गया, बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो। प्यारे बच्चों आपको तो जीरो पे ना चेक करना था, आपको तो कंटिन्यूटी जीरो पे चेक करना है, और आप तो ए का फॉर्मूला लिख दिए, तो हर ए के जगह पे आप जीरो लिखिए, हर ए के जगह पे जीरो लिख दीजिए, जहां जहां ए है जीरो लिख दीजिए, जहां जहां ए है जीरो लिख दीजिए, जहां जहां ए है उसके जगह पे क्या लिख दीजिए जीरो, उसके जगह पे जीरो। अब देखिए बेटा क्या हो गया, जीरो प्लस का मतलब जीरो से ज्यादा, यानी जीरो के आपका दाएं तरफ रहेगा, जीरो के दाएं तरफ वैल्यू है वन, जीरो के दाएं तरफ वैल्यू है वन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप वन रख दिए, तो इसमें तो एच है ही नहीं, जब एच है ही नहीं तो वैल्यू कितना मिल गया वन, वैल्यू मिल गया वन। देखिए आपका एल एच एल आया है माइनस वन और आपका आर एच एल आया है वन, दोनों बराबर नहीं है ना, जब दोनों बराबर नहीं है तो फिर आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि एल एच एल एट एक्स बराबर जीरो इज नॉट इक्वल टू आर एच एल एट एक्स बराबर जीरो, देयरफोर एफ एक्स इज नोट कंटिन्यूअस, सी टी एस का मतलब कंटिन्यूअस, सी टी एस का मतलब कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नोट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो।
हिंदी में, अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पे संतत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बता दिया, आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए और बताइए कि नोट हो गया तो मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। फटाफट आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए बेटा। जल्दी से नोट करो। स्नेहा निधि का हो गया है। अरे स्नेहा, अरे वो अंशु कहाँ है जी अंशु? अरे स्नेहा, अंशु क्लास नहीं करती है क्या? बोलो तो स्नेहा, अंशु क्लास नहीं करती है? कोमल रानी का भी हो गया। स्नेहा फटाफट बताओ तो, अंशु कहाँ है जी? क्लास नहीं करती है अंशु? क्यों नहीं क्लास करती है? उसके पास नहीं है क्या फोन? उसका छूट गया है। छूट कैसे गया है जी? क्लास नहीं करेगी तो छूट भी करेगा ना, क्या करते दिन भर घर में? उसको बोलना तो फोन करेगी, स्नेहा अंशु को बोलना तो फोन करेगी। ठीक है, तुम आज अंशु को बोलना तो शाम को हमको फोन करेगी वो। बीमार थी, अच्छा उसको बोलना ना फोन करेगी वो। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन। अच्छा बेटा, इसको ग्राफ से भी बता दे क्या? देखो तो इसको ग्राफ से भी आप लोगों को बता देते हैं, इसको ग्राफ से भी आप लोगों को बता देते हैं, समझ गए? क्योंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं ना, तो प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको तो यूनिक चीज मिलना चाहिए ना, और जगह से ज्यादा तो आपको मिलना ही चाहिए ना, यूनिक है या नहीं? इसीलिए आपको ग्राफ से भी बता देते हैं। चलिए इसको ग्राफ से भी देखो तो बेटा, संतोष राज राइडर, देखो तो इसको ग्राफ पे कैसे बनेगा। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश जीरो वन वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है, याद रखना एफ एक्स का मतलब वाई होता है, समझ गए? एफ एक्स का मतलब होता है वाई, एफ एक्स का मतलब होता है वाई। देखो जब जो है एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है तो वाई का मान एक है। जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा का मतलब दाएं तरफ, तो वाई का मान कितना है? वन। वाई का मान है वन, एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है यानी कि इस तरफ जाएगा, समझ गए? और जब एक्स आपका जीरो से छोटा है, जीरो से आपका छोटा है यानी कि निगेटिव साइड, जब एक्स जीरो से छोटा है तो वाई है माइनस वन, वाई है माइनस वन, जीरो से छोटा है। चूंकि बराबर की बात नहीं करता है, चूंकि बराबर की बात नहीं करता है इसीलिए उसको मिटा के मैं गोल बना दिया, क्योंकि यहां पर बराबर नहीं है। तो वाई कितना है आपका? माइनस वन। वाई कितना है? माइनस वन। याद रहे एक्स जीरो या जीरो से छोटा है तो आपको बाएं तरफ ही आना है, आपको कहाँ आना है? बायां तरफ। और देखो बेटा यही आपका हो गया ग्राफ, ये भाई साहब हो गया एफ एक्स इक्वल टू वन, ये भी आपका है, ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन है, ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन है। और ध्यान से देखो कि इस ग्राफ को बनाने में आपका हाथ उठा ना जी, देखो तो ग्राफ बनाओ, तो देखो ग्राफ बनाए फिर हाथ उठाए फिर यहां से लाइन खींचे, यानी कि इस ग्राफ को बनाने में हाथ को उठाना पड़ गया, इस ग्राफ को बनाने में हाथ को उठाना पड़ गया, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इस ग्राफ को बनाने में हाथ उठाना पड़ा इसीलिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है,
समझ गए, इसीलिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। चलो अब जो है किसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब अगला सवाल मैं बताता हूं। सबका हो गया है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम लोग केसी सिन्हा के बुक से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बाबू क्या है, कहता है कि so that the function fx given by fx equal to x sine 1 by x, x is not equal to 0, 0 x equal to 0 is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0। हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन जो है आपका x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, समझ गए, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया संतत, यानी कि हम लोगों को दिखाना है कि ये जो है आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और कहां पर कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। हम लोगों को दिखाना है कि x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है, इस चीज को दिखाना है। ठीक है, तो आइए इसको दिखाते हैं हम लोग। देखिए क्या करना है कि आपको जो है ना, आपको रियल लाइन पे पहले ग्राफ को, पहले रियल लाइन पे इसको दिखा देना है। पहले आपको क्या करना है, इसको रियल लाइन पे दिखा देना है। इससे बनाने में बहुत आसानी होती है, समझ गए, इससे बनाने में बहुत आसानी होती है। और जीरो की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर ले लीजिए जीरो, जीरो की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या ले लिए, जीरो ले लिए, यहाँ पर जीरो ले लिए। देखिए जब जीरो के बराबर है, जब जीरो के बराबर है तो वैल्यू है जीरो, और जब जीरो के बराबर नहीं है तो वैल्यू है एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स। जब जीरो के बराबर नहीं है तो वैल्यू है एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स। अच्छा, जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, जब जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है। बोलिए सर क्या क्या, तो या तो जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो से छोटा हो सकता है, समझ गए। जब जीरो के बराबर नहीं है, जब जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। तो आपको दोनों ही केस लेकर चलना है, आपको दोनों ही केस लेकर चलना है, वन बड़ा या छोटा, समझ गए, आपको दोनों ही केस लेकर चलना है। तो देखो बेटा, लेकिन जीरो शामिल नहीं है तो जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा पर दोनों ही केस में एफ एक्स बराबर एक्स साइन वन बाय एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स साइन वन बाय एक्स है, दोनों ही केस में एफ एक्स बराबर है एक्स साइन वन बाय एक्स, दोनों ही केस में एफ एक्स बराबर है एक्स साइन वन बाय एक्स।
और जब जीरो के बराबर है तो आपको डार्क करना पड़ेगा, बराबर है तो आपको डार्क करना पड़ेगा, समझ गए, बराबर है तो आपको डार्क करना पड़ेगा, और जब जीरो के बराबर है तो एफ एक्स बराबर है जीरो, जब जीरो के बराबर है तो एफ एक्स बराबर है जीरो, समझ गए, यानी कि एफ एक्स बराबर है जीरो, एफ एक्स बराबर है जीरो, एफ एक्स बराबर आपका है जीरो, ठीक। आइए अब हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक कीजिए, तो सबसे पहले एल एच एल निकाल लीजिए, तो एल एच एल देखिए तो कितना है, एल एच एल एट एक्स बराबर ए फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ये आपका होता है फॉर्मूला, समझिए ये आपका होता है फॉर्मूला। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला तो ए पर होता है ना, ये फॉर्मूला तो ए पर होता है, और आपको जो कंटिन्यूटी चेक करना है वो एक्स बराबर जीरो पे करना है, आपको जो है कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको तो एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है, तो जहां जहां पर आपने ए लिखा है उसको आप जीरो कर दीजिए, जहां जहां पर आपने ए लिखा है उसको आप जीरो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये आपका हो गया जीरो, ये आपका हो गया जीरो, ये भी आपका हो गया जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस यानी जीरो से कम, जीरो माइनस यानी कि जीरो से कम, जीरो से कम देखिए तो वैल्यू है एक्स साइन वन बाय एक्स, एक्स साइन वन बाय एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे तो जीरो माइनस एच ना है, लेकिन एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच है, तो यही वाला उतार दीजिए, लेकिन एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच लिखना है, लेकिन एक्स के जगह पे आपको जीरो माइनस एच लिख देना है, यानी कि एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच और साइन वन बाय एक्स, एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच, एक्स के जगह पर आपका हो गया जीरो माइनस एच बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एच साइन माइनस वन बाय एच, साइन माइनस वन बाय एच बराबर क्या मिल गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एच और साइन माइनस थीटा बराबर बोलो तो क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता, फटाफट जवाब दो, तो संध्या तुम लाइव क्लास में हो तो जल्दी से बोलो तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो संध्या, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता, फटाफट जवाब दो, यदि लाइव क्लास में हो तो जवाब दो, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता बोलो, जल्दी से बता बेटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अमित बताया, कॉस थीटा कौन बताया, अमर कुमार गलत, स्नेहा निधि गलत, नहीं अमित का एकदम सही आंसर आया है, माइनस साइन थीटा, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वन बाय एच, माइनस साइन वन बाय एच, समझ गए, माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एच इंटू साइन वन बाय एच, एच इंटू साइन वन बाय एच आ गया, और अब यहां पे वैल्यू रखना है, एच के जगह पे जीरो, साइन वन बाय जीरो, जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, और एक बात मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि साइन और कॉस में कितनों बड़ा से बड़ा एंगल ले लीजिए या छोटा से छोटा एंगल ले लीजिए, इसका वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ऑक्सीलेट करता है, समझ गए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, साइन और कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है माइनस वन, यानी कि आप कितनों बड़ा से बड़ा एंगल ले लीजिए साइन और कॉस में या छोटा एंगल ले लीजिए, यह माइनस वन और वन के बीच में ऑक्सीलेट करता है, माइनस वन और वन के बीच में ऑक्सीलेट करता है, यानी कि इसका वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगा,
इसका वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगा। और आप यदि किसी संख्या को जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। एक्सेप्शन होता है इन्फिनिटी, एक्सेप्शन होता है इन्फिनिटी। बीएससी पार्ट टू का टाइम 3 बजे से है, जो पूछ रहा है बीएससी पार्ट टू का टाइम 3 बजे से है, 3 बजे लाइव आ जाना। जिसको बीएससी पार्ट टू पढ़ना है 3 बजे, 3 बजे आज लाइव आ जाना, ठीक है। तो आपका जीरो से किसी संख्या को गुना कीजिएगा तो जीरो होगा। एक्सेप्शनल केस होता है इन्फिनिटी, यानी कि LHL आपको मिल गया जीरो, यानी कि LHL आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। और अब आप निकाल लीजिए RHL। याद करो बेटा, हम जो आपको लिमिट पढ़ाए ना, आपको जो है कि मैं 5-6 दिन आपको लिमिट में जो पढ़ाया, जो मैं आपको लिमिट बताया, तो लिमिट इसीलिए बताया था ना, मैं आपको, मैं बोला था ना कि पूरा लिमिट के यूज है कंटिन्यूटी में। तो जो लिमिट नहीं जानता है वो कंटिन्यूटी समझ ही नहीं पाएगा, जो लिमिट नहीं जानता है वो कंटिन्यूटी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं आपको अपना समय खराब करके, मैं आप लोगों को लिमिट बताया। मैं अभी बोला ना बीएससी पार्ट टू का टाइम 3 बजे से है, बीएससी पार्ट टू का टाइम 3 बजे से है। चलो जी, RHL एट एक्स बराबर ए, अमित कुमार गामा और बीटा फंक्शन के लिए फोन कीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं बीटा गामा फंक्शन, हम पढ़ा चुके हैं। यदि क्लास के बाद आपको कोई डाउट है तो फोन कीजिएगा, बीटा गामा फंक्शन पढ़ा चुके हैं, कोई डाउट है क्लास के बाद फोन कीजिएगा। तो RHL क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, समझ गए। लेकिन एक मजे की बात यह है कि आप तो ए पर तो चेक ही नहीं कर रहे हैं, आप तो चेक कर रहे हैं किस पे, आप तो चेक जीरो पे कर रहे हैं ना, आप तो चेक जीरो पे कर रहे हैं। जहां जहां पर ए लिखा हुआ है आप उसके जगह पे जीरो लिख दीजिए, जहां जहां पर ए लिखा हुआ है आप उसके जगह पे जीरो लिख दीजिए, आप उसके जगह पे जीरो लिख दीजिए, समझ गए। बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो प्लस यानी जीरो से ज्यादा, जीरो प्लस यानी जीरो से ज्यादा, और जीरो से ज्यादा पे वैल्यू है एक्स साइन वन बाय एक्स, जीरो से ज्यादा पे वैल्यू है एक्स साइन वन बाय एक्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक्स के जगह पे तो जीरो प्लस एच ना है, एक्स के जगह पे तो जीरो प्लस एच है, तो आप क्या लिखिएगा, जीरो प्लस एच और साइन वन बाय जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच इंटू साइन वन बाय जीरो प्लस एच। और अब देखिए तो क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एच साइन वन बाय एच, एच साइन वन बाय एच। और अब आप लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए, देखिए बिल्कुल यही वाला आ गया, बिल्कुल यही चीज आ गया। तो क्या लिखिएगा, इक्वल टू जीरो इंटू साइन वन बाय जीरो, जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी के वैल्यू माइनस वन और एक के बीच में ऑक्सीलेट करता है, साइन इन्फिनिटी के वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। कोई एक फाइनाइट नंबर को जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। आपने क्या देखा, आपने देखा कि LHL भी आपका जीरो हो गया, आपने देखा कि RHL भी जीरो हो गया। जब LHL और RHL बराबर है तब वैल्यू एट दी फंक्शन आपको निकालना है, तब वैल्यू एट दी फंक्शन निकालना है, यानी कि आपको एफ ए निकालना है, आपको क्या निकालना है, एफ ए आपको निकालना है, एफ ए, समझ गए, आपको निकालना है एक्स हाँ ए। लेकिन बेटा ए पे तो आप चेक नहीं कर रहे हैं ना, आप तो जीरो पे चेक कर रहे हैं, आप तो जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो ए के जगह पे आप लिख दीजिए जीरो, ए के जगह पर आप लिख दीजिए जीरो, समझ गए। और अब देखिए तो जब एक्स जीरो के बराबर है, जब एक्स जीरो के बराबर है तो एफ एक्स का क्या वैल्यू है, देखिए तो जब एक्स जीरो के बराबर है तो एफ एक्स का वैल्यू है जीरो, जब एक्स जीरो के बराबर है, ये जो लाइन है ये एक्स लाइन बताता है, जब एक्स जीरो के बराबर है एफ एक्स आपका जीरो है, यानी कि इस केस पे वैल्यू आपको मिल गया जीरो।
इस केस पे मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू मिल गया 0। LHL, RHL और FA तीनों आपका बराबर हो गया, इसीलिए यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। तीनों बराबर है तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। चूंकि F, चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि LHL एट x बराबर 0 बराबर RHL एट x बराबर 0 बराबर F0, therefore FX is continuous at x बराबर 0। CTS का मतलब continuous, CTS का मतलब continuous लिखेंगे। अतः FX x बराबर 0 पे संतत है, अतः FX x बराबर 0 पे संतत है। समझ गए? होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट नोट कीजिए और एक क्वेश्चन हम लोग और पढ़ेंगे। सबका बेटा ग्राफ नहीं हो पाएगा नु, हर एक चीज को आप ग्राफ के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। हर एक चीज का ग्राफ बनाना आसान नहीं होता है। जिसका संभव है मैं उसका बता दूंगा, जिसका संभव है उसका मैं बता दूंगा। हरदम आंसर 0 आता है शुभम कुमार, हरदम आंसर 0 कैसे आएगा जी? हरदम आंसर 0 कैसे आएगा? ये कोमल का हो गया है शुभम शर्मा, ऐसे क्यों सर? चलिए ए शुभम, अरे प्रवीण कहाँ गया जी? प्रवीण कुमार कहाँ गया जल्दी से बताओ। कोमल तुम ही बताओ प्रवीण कहाँ गया, जो जो क्लास में है बताओ। आजकल प्रवीण लाइव नहीं आता, पढ़ाई छोड़ दिया है क्या? प्रवीण कहाँ गया जल्दी से बोलो। चलो इधर हो गया जी, तुम लोग लिख लिया बेटा? कोमल को पता नहीं है सर। नन्नू आप लोग पता करके बताइए कहाँ गया। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो तो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट the function fx given by fx equal to e power 1 by x minus 1 by e power 1 by x plus 1 when x is not equal to 0 और 0 है when x equal to 0 is discontinuous at x equal to 0। दिखाना है कि x बराबर 0 पे ये भाई साहब discontinuous है, समझ गए? दिखाना है कि 0 पर ये भाई साहब discontinuous है, ठीक है? चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप लोग को समझ में आ रहा है ना, या कोई दिक्कत परेशानी है?
स्नेहा निधि कहती है कंटिन्यूअस नहीं है। चलो ठीक है स्नेहा निधि, जिसको सॉल्व किया जाए। देखिए सॉल्यूशन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रियल लाइन पे दिखा देना है, इधर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये आपका हो गया जीरो, ये आपका हो गया जीरो। ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। तो यानी कि जीरो जब शामिल नहीं है, या तो बड़ा या फिर छोटा, इस केस में एफ एक्स बराबर है e पे पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय e पे पावर एक्स 1 बाय एक्स प्लस 1, एफ एक्स बराबर है e पे पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय e पे पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। इस दोनों ही केस में आपका एक ही मान है, इस दोनों ही केस में आपका एक ही वैल्यू है। और जब x 0 के बराबर है तो एफ एक्स बराबर जीरो है, जब x 0 के बराबर है तो एफ एक्स बराबर जीरो है। समझ गए, इस केस में एफ एक्स बराबर है जीरो। तो आइए अब LHL आप निकाल लीजिए, तो LHL एट x बराबर a फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। हम तो फॉर्मूला a पे लिख दिए, मास्टर साहब तो फॉर्मूला a पे लिख दिए, लेकिन बेटा आपको तो चेक करना है जीरो पे, आपको तो चेक करना है जीरो पे, इसीलिए जहां पर भी आप a लिखे हैं उसको मिटाकर कर दीजिए जीरो, उसको मिटाकर कर दीजिए जीरो। अमित कुमार का आंसर आ रहा है e पे पावर 1 बाय एक्स कॉमा लेना पड़ेगा। अमित कुमार बहुत सही जवाब आपका है, अमित कुमार का बहुत सही जवाब है। अमित कुमार आप एक बात बताइए बेटा कि आप क्लास 12 के सही में विद्यार्थी हैं या ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, क्योंकि अभी आप पार्ट टू के बारे में पूछ रहे थे। अमित बेटा, अमित आप ऑनर्स के विद्यार्थी है या 12 के विद्यार्थी है? मुझे तो लग रहा है कि आप इतना बढ़िया से जानते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप पढ़ लिए होंगे, आप पढ़ लिए होंगे। वेरी गुड अमित, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर है। इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बीएससी पार्ट वन, बेटा बीएससी पार्ट वन का है तो आपका क्लास तो 12:05 पे होता है ना। यदि आप बीएससी पार्ट वन के हैं तो आपका क्लास 12:05 पे होता है, और बीएससी पार्ट टू के हैं तो आपका क्लास 3 होता है। बीएससी पार्ट वन का क्लास 12:05 पे होता है, टाइम नोट कर लीजिएगा। बीएससी पार्ट टू का क्लास 3 होता है, समझ गए। और पार्ट थ्री का अभी मैं ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहा हूँ, पार्ट थ्री का मैं ऑनलाइन क्लास अभी नहीं दे रहा हूँ, पार्ट थ्री का जब जरूरत पड़ेगा तो मैं ऑनलाइन क्लास कर दूंगा, समझ गए। अभी पार्ट वन पार्ट टू का ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि इसी में अभी इतना टाइम लग जाता है ना कि पार्ट थ्री को जो है ऑनलाइन क्लास के लिए टाइम ही नहीं बचता है। हाँ, बच्चे जो क्लासरूम में आते थे उनसे मेरी बात हो चुकी है, जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो आकर वो क्लासरूम में पढ़ाई कर लेंगे, तब जरूरत पड़ेगा तो मैं ऑनलाइन उसको कर दूंगा, समझ गए। और दो पेपर में पढ़ाऊंगा पार्ट थ्री का, दो पेपर में पढ़ाऊंगा आपका 6th और 7th, 6th यानी कि मॉडर्न, और 7th में आपका जो है ना LPP सब आ जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, NA आता है, उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो पार्ट थर्ड में दो पेपर में पढ़ाऊंगा 6th और 7th, दो पेपर में आपका व्यवस्था कर दूंगा यहीं पर। चलिए तो अब क्या हो गया बोलिए तो, इक्वल टू लिमिट s टेंस टू जीरो, जीरो माइनस यानी जीरो से कम, यानी जीरो के बाएं, जीरो के बाएं आपका है वैल्यू e पे पावर 1 बाय एक्स, e पे पावर 1 बाय एक्स, लेकिन x के जगह पे जीरो माइनस h, माइनस 1
बाय ई पे पावर वन बाय एक्स, एक्स के जगह पे जीरो माइनस प्लस वन, प्लस आपका हो गया वन, प्लस आपका हो गया वन, बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो ई पे पावर माइनस वन बाय एच माइनस वन, ई पे पावर वन बाय एच, बल्कि ई पे पावर ई भी माइनस होगा और प्लस वन। और जब पावर में माइनस है ना, जब पावर में माइनस है, जब पावर में माइनस है तो आप उसको बटे में लिख सकते हैं, आप इसको बटे में लिख सकते हैं, यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो वन बाय ई पे पावर वन बाय एच माइनस वन बाय वन बाय ई पे पावर वन बाय एच प्लस वन हो गया, प्लस क्या हो गया वन, समझ गए। और अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एच के जगह पर आपको क्या लिखना है, अब आपको जो है एच के जगह पर क्या लिख देना है, तो आपको एच के जगह पर लिमिट क्या है जीरो है, तो एच के जगह पर जीरो लिख देना है, तो क्या हो जाएगा वन बाय ई पे पावर वन बाय जीरो माइनस वन बाय वन बाय ई पे पावर वन बाय जीरो प्लस वन, और क्या मिला वन बाय ई पे पावर इन्फिनिटी माइनस वन, वन बाय ई पे पावर इन्फिनिटी प्लस वन, क्योंकि वन बाय जीरो का मतलब तो अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी होता है ना, वन बाय जीरो का मतलब आपका इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। और किसी भी संख्या पे आप पावर, किसी भी पॉजिटिव संख्या पे पावर, किसी भी पॉजिटिव संख्या पे पावर यदि आप इन्फिनिटी देते हैं एक को छोड़कर, किसी भी पॉजिटिव संख्या पे पावर यदि आप इन्फिनिटी देते हैं, यानी कि जो संख्या आपका एक से बड़ा है, जो संख्या, ऐसे कहिएगा सबसे बढ़िया तरीका, जो संख्या एक से बड़ा है और यदि उस पे पावर इन्फिनिटी देते हैं तो इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है, समझ गए। यदि आपका कोई संख्या एक से बड़ा है और उस पे इन्फिनिटी पावर देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, हालांकि वन पे पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, वन पे पावर इन्फिनिटी आपका अनडिफाइंड है, लेकिन एक से बड़ा पे इन्फिनिटी पावर दीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और ई का वैल्यू जो होता है, ई का वैल्यू यदि आप मैथ ऑनर्स लेकर पढ़ाई कीजिएगा और जब बीएससी पार्ट टू में आइएगा तो मैं आपको एक बुक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा इन्फिनाइट सीरीज, समझ गए। जब आप बीएससी मैथ ऑनर्स लीजिएगा और पार्ट टू में आइएगा तो मैं आपको एक बुक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इन्फिनाइट सीरीज, जिसका नाम है इन्फिनाइट सीरीज। और मेरे प्यारे बच्चों, उस इन्फिनाइट सीरीज में मैं आपको ई का वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा, उस इन्फिनाइट सीरीज में मैं आपको ई का वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा। ई का वैल्यू दो और तीन के बीच में होता है, समझ गए, ई का वैल्यू दो और तीन के बीच में होता है। उम्मीद कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर शायद ई का वैल्यू आप लोग को कहीं कहीं यूज करवाते होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर कहीं कहीं यूज करवाते होंगे, उम्मीद है ऐसा, लेकिन मैं आपको बीएससी पार्ट टू में सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो बेटा ई का मान तो दो और तीन के है, बीच में है, यानी दो से बड़ा है, दो से बड़ा पे पावर इन्फिनिटी दीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस वन बाय वन बाय इन्फिनिटी प्लस वन, वन बाय इन्फिनिटी प्लस वन, वन बाय जीरो इन्फिनिटी होता है, समझ गए, वन बाय जीरो बराबर इन्फिनिटी और वन बाय इन्फिनिटी बराबर जीरो, वन बाय जीरो इन्फिनिटी होता है और वन बाय इन्फिनिटी आपका होता है जीरो, यानी कि क्या मिल गया आपको, मिल गया जीरो माइनस वन बाय जीरो प्लस वन, माइनस वन बाय वन यानी कि माइनस वन। और इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है वैल्यू, आपका एलएचएल का वैल्यू आ गया माइनस वन, एलएचएल का वैल्यू आपका आ गया माइनस वन। अब आप निकाल लीजिए आरएचएल, आरएचएल एट एक्स बराबर ए बराबर फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, समझ गए। लेकिन हम लोग जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं जीरो पे, तो ए को मिटाकर आप जीरो कर लीजिए, ए को मिटाकर आप जीरो कर लीजिए, ए को मिटाकर आप क्या कर लीजिए, जीरो कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो प्लस
यानी कि जब जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा पे वैल्यू ये मिल रहा है, यानी कि e पे पावर 1 बाय x, x के जगह पे 0 प्लस h, x के जगह पे 0 प्लस x, x के जगह पे 0 प्लस h, ये हम लोगों को वैल्यू मिल गया, समझ गए। और ये कितना हो गया बोलिए तो, बराबर लिमिट s टेंस टू 0 e पे पावर 1 बाय h माइनस 1 बाय e पे पावर 1 बाय h प्लस 1, समझ गए, इतना वैल्यू मिल गया, इतना वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब क्या कीजिएगा, तो अब जो है ना, अब आपका काम है इस प्रकार से, बराबर लिमिट s टेंस टू 0 e पे पावर 1 बाय h आप कॉमन ले लीजिए, जो कि अमित कुमार बहुत पहले ही बताए थे, सर आपको e पे पावर 1 बाय x कॉमन लेना पड़ेगा, बिल्कुल अब वही काम कर रहे हैं हम लोग, e पे पावर 1 बाय h कॉमन, जहां से है निकल जाएगा और जहां पर नहीं है वहां बटे में चला जाएगा, है तो निकल जाएगा, नहीं तो बटे में आ जाएगा, यहां पर है तो निकल गया, नहीं तो e भाई साहब बटे में आ गया, नहीं तो ये भाई साहब बटे में आ गया, नीचे भी सेम काम किए, e पे पावर 1 बाय h कॉमन ले लिए, रहेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो बटे में, यहां से निकल गया, यहां पर नहीं है तो e भाई साहब आपका हो गया बटे में, e दोनों भाई साहब आपका खत्म, वो दोनों भाई साहब आपका खत्म। और अब जो है, अब जो है देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा देखिए, तो अब लिमिट के वैल्यू रख दीजिए, यहां पे 1 भी लिखिएगा ना, अब लिमिट के वैल्यू रख दीजिए, तो लिमिट के वैल्यू कितना आ गया, इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय e पे पावर 1 बाय 0 बाय 1 प्लस 1 बाय e पे पावर 1 बाय 0, समझ गए, ये हम लोगों को वैल्यू मिल गया। और 1 बाय 0 का मतलब इन्फिनिटी हो गया, कहने का मतलब है बराबर 1 माइनस 1 बाय e पे पावर इन्फिनिटी बाय 1 प्लस 1 बाय e पे पावर इन्फिनिटी, अभी तुरंत बोले e पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब 0, 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब 0, 1 बाय 1 बराबर 1, आप देखिए RHL आपका 1 आ गया, जबकि LHL आपका है माइनस 1, LHL माइनस 1 है, RHL 1 आ गया, बराबर नहीं हुआ, इसीलिए यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। क्या लिखिएगा, चूंकि LHL एट x बराबर 0 इज नॉट इक्वल टू RHL एट x बराबर 0, therefore fx is not continuous, CTS का मतलब continuous, 8x equal to 0, अतः fx x बराबर 0 पे संतत नहीं है, और यही हम लोगों को दिखाना था, और यही हम लोगों को दिखाना था, समझिए प्रूव्ड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और फिर जो है, फिर अगले क्लास में हम लोग जो है देखते हैं, यदि ज़रूरत पड़ेगा अगले क्लास में तो हो सकता है तो मैं फिर आप लोगों को केसी सिन्हा से ही बता दूँ, समझ गए, हो सकता है तो मैं आप लोगों को केसी सिन्हा से ही बता दूँ, ठीक है। राजा कुमार के आंसर आ रहा है, सर ये फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड नहीं है बेटा, फर्स्ट काइंड देखे, LHL RHL बराबर नहीं है तो फर्स्ट काइंड, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, समझ गए, बिल्कुल सही बोल रहा है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ, और जरूरी पड़ेगा तो कल मैं फिर केसी सिन्हा बताऊंगा, नहीं तो NCERT पे आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, चलिए बाय।
आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। कंटिन्यूटी चल रहा था, के सी सिन्हा के बुक से, क्लास 12 का, ठीक है। आज भी आपका केसी सिन्हा का ही चलेगा। तो आइए, कल कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, शो डैट द फंक्शन एफएक्स given by fx equal to sin x by x plus cos x, x is not equal to 0, 2x equal to 0 is continuous at x equal to 0. Is continuous at x equal to 0. अब आप लोग ये हल है, समझ गए? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना आसान इंग्लिश है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ गए? यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पर दिक्कत परेशानी होगी मैं वहाँ पर हिंदी लिख दूंगा। ये हिंदी मीडियम ही कहीं बैच है, आप समझिएगा। यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, सो डैट यानी दिखाइए कि fx जो है आपका कंटिन्यूस है, बस। अब इसमें इंग्लिश वाली कोई बात ही नहीं रही, समझ गए? इसमें इंग्लिश वाली कोई बात ही नहीं रही, ये बहुत ही आसान है। जहाँ पर थोड़ा बहुत आपका रहेगा, भारी लैंग्वेज रहेगा, मैं वहाँ पर बिल्कुल हिंदी लिख दूंगा। यहाँ पर हिंदी के जैसा ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि हिंदी लिखना है, समझ गए? हिंदी के जैसा कोई चीज़ है नहीं, इसीलिए आपको परेशानी नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको नहीं सोचना है। देखिए, सबसे पहले याद कीजिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले एक रियल लाइन बनाते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये भाई साहब आपका हो गया जीरो, ये भाई साहब आपका हो गया जीरो। और जब जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा या फिर जीरो से छोटा। तो दोनों ही केस में देखिए तो वैल्यू आपका क्या होगा, चाहे जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा हो, तो वैल्यू एफ एक्स बराबर है साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ एक्स बराबर है साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स। और जब आपका जीरो के बराबर है, जब आपका जीरो के बराबर है तो डार्क कीजिएगा, इस केस में कीजिएगा डार्क। जब जीरो के बराबर है तो डार्क कीजिएगा, इस केस में एफ एक्स बराबर है टू। इस केस में एफ एक्स बराबर क्या है, टू है। और हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। कहाँ पे? तो x बराबर जीरो पे। कहाँ पर? तो x बराबर जीरो पे दिखाना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। तो आइए LHL लेके चलिए। LHL 8x बराबर a, क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ये आपका होता है LHL का फॉर्मूला, समझ गए? ये आपका होता है LHL का फॉर्मूला। लेकिन हम लोगों को x बराबर जीरो पे चेक करना है, हम लोगों को x बराबर जीरो पे चेक करना है, इसीलिए जहाँ जहाँ पर a है उसको आप बना दीजिए जीरो,
जहां जहां पर ए है उसको आप बना दीजिए जीरो, उसको आप क्या कीजिए बना दीजिए जीरो, और देखिए तो क्या हो गया बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस यानी कि जीरो से कम, जीरो से कम पे वैल्यू क्या है साइन एक्स, एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच बाय एक्स, एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच प्लस कॉस एक्स, एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच, एक्स के जगह पे हो गया जीरो माइनस एच, और अब देखिए तो क्या मिला बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो खत्म तो साइन माइनस एच बचा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन एच बाय माइनस एच प्लस कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूला है। ये आपका हो गया कॉस एच, ये आपका हो गया कॉस एच, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एच बाय एच प्लस कॉस एच, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स बराबर वन, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स बराबर वन, ये दो फॉर्मूला हम लोग लिमिट में पढ़े हैं, ये दो फॉर्मूला हम लोग लिमिट में पढ़े हैं, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये भी वन और ये भी वन, वन प्लस वन बराबर टू, बराबर टू, यानी कि LHL हम लोगों का निकल गया टू, LHL हम लोगों का निकल गया टू, समझ गए, LHL हम लोगों का निकल गया टू। अब आप निकाल लीजिए RHL, RHL एट x बराबर a, बराबर फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, लेकिन हम लोगों को a पे नहीं बल्कि जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना है, हम लोगों को a पर नहीं बल्कि जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना है समझ गए, हम लोगों को ए पर नहीं बल्कि जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो जहां जहां ए है उसके जगह पर आप लिख दीजिए जीरो, जहां जहां ए है उसके जगह पर आप लिख दीजिए जीरो, जहां जहां ए है उसके जगह पर आप क्या लिख दीजिए, तो आप लिख दीजिए जीरो, ठीक है। और अब देखिए तो क्या मिला, अब देखिए तो आपको क्या मिला, तो जीरो प्लस मतलब जीरो से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा आपका ये भाई साहब है साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स के जगह पे जीरो प्लस एच बाय एक्स के जगह पे जीरो प्लस एच प्लस कॉस एक्स के जगह पे जीरो प्लस एच, एक्स के जगह पर हो गया जीरो प्लस एच, एक्स के जगह पर आपका हो गया जीरो प्लस एच, ठीक है। और फिर देखिए तो आपको क्या मिला, अब क्या मिला यहां पर बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एच बाय एच प्लस कॉस एच, इसका वैल्यू वन होता है, इसका भी वैल्यू वन होता है, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख दिया हूं, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं, दोनों का वैल्यू क्या होता है वन, दोनों का वैल्यू होता है वन, यानी कि वन प्लस वन बराबर टू, RHL भी आपको मिल गया 2, LHL मिल गया 2, RHL मिल गया 2, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f0 निकाल लीजिए, f0 यानी कि जब x0 है, जब x0 है तो fx क्या है 2, जब x0 है तो fx क्या है 2, यानी कि f0 बराबर आपका हो गया 2, f0 बराबर आपका हो गया 2, तो इस प्रकार से तीनों आपका बराबर हो गया, आपका क्या मिल गया, आपको मिल गया LHL एट x बराबर जीरो बराबर RHL
एट एक्स बराबर जीरो बराबर एफ जीरो बराबर आपका हो गया एफ जीरो, तीनों आपका बराबर हो गया, इसीलिए एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस हो गया। देयर फोर क्या लिखिएगा, देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। सी टी एस का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, सी टी एस का मतलब हो गया कंटिन्यूअस। हिंदी में क्या लिखिएगा, अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पे संतत है, अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पे संतत है। फटाफट नोट कीजिए, ऑगस्टिया अभी आई है, अमरजीत अभी आया है, शुभम शर्मा भी आया है, नैनुनु आपको टाइम पे आना था बेटा। चलिए फटाफट इसको आप लोग नोट कीजिए, तो बेटा जल्दी से नोट कीजिए आप लोग इसको, टाइम पे आप लोगों को 1:05 पे ज्वाइन कर लेना क्लास को। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, हो गया सिकंदर कुमार का हो गया है, चलिए वेरी गुड, हो गया तो अच्छी बात है, हो गया नो। हो गया बेटा, फटाफट नोट कीजिए आप लोग, बाबू रे फटाफट नोट कीजिए। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए किससे किससे बनता है। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए किससे किससे बनता है। जांच कीजिए कि एफ टी बराबर कॉस टी बाय पाई बाय टू माइनस टी, टी इक्वल टू पाई बाय टू, वन टी इक्वल टू पाई बाय टू, इतना t बराबर पाई बाय टू पर संतत है। जांच कीजिए कि यह आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। हम लोगों को जांच करना है कि यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। हम लोगों को जांच करना है, ठीक है, हम लोग इसको जांच करेंगे, ठीक। चलिए फटाफट इसको आप नोट कीजिए, फटाफट आप इसको नोट कीजिए बेटा, फटाफट आप नोट कीजिए। आज तो ऐसा मौसम था, लग रहा था कि क्लास नहीं हो पाएगा, आज तो सुबह ऐसा लग रहा था कि क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर देखते हैं मौसम सुधर गया है, मौसम ठीक ठाक है। सुबह तो फर्स्ट क्लास में 11 बजे थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है सब ठीक है। चलिए वेरी गुड, आप लोग लिख लिए होंगे बेटा, आप लोग लिख लिए होंगे। कोशिश कीजिए तो बनाने का, अरे बेटा एक सवाल लिखे हैं, कोशिश कीजिए तो इसको बनाने का बनता है क्या,
एक सवाल लिखे हैं बाबू, कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का। लिमिट आप लोगों को बता चुके हैं, लिमिट आप लोगों को बता चुके हैं। यदि आपका लिमिट का कंसेप्ट क्लियर है तो ये सवाल बन जाएगा। यदि आपका लिमिट का कंसेप्ट क्लियर है तो ये सवाल आपसे बन जाएगा, समझ गए? आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का, आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है? देखिए बनता है क्या। सॉल्यूशन, पहले आप इसको रियल लाइन पे दिखाइए, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पाई बाय टू। सपोज कि ये भाई साहब है पाई बाय टू, जब पाई बाय टू के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो पाई बाय टू से छोटा होगा या पाई बाय टू से बड़ा होगा। पाई बाय टू के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो पाई बाय टू से छोटा होगा या पाई बाय टू से बड़ा होगा। और दोनों ही केस में एफ टी बराबर क्या है? एफ टी बराबर है आपका कॉस टी बाय पाई बाय टू माइनस टी। एफ टी बराबर है कॉस टी बाय पाई बाय टू माइनस टी। और जब पाई बाय टू के बराबर है तो एफ टी बराबर वन है। जब पाई बाय टू के बराबर है तो एफ टी बराबर क्या है? एफ टी बराबर है वन। जब पाई बाय टू के बराबर है तो एफ टी बराबर है वन। इस तरह से हम लोग क्या किए, जो फंक्शन दिया हुआ था इसको हम लोग रियल लाइन पे दिखा दिए, जो फंक्शन दिया हुआ था उसको हम लोग रियल लाइन पे दिखा दिए। रियल लाइन पे दिखाने के बाद में बहुत आसान हो जाता है, सवाल बनाना काफी आसान हो जाता है, समझिए। जब आप रियल लाइन पे बना देते हैं तो सवाल बनाना काफी आसान हो जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एल एच एल निकाल लीजिए, तो एल एच एल आपका कितना हो गया? एल एच एल एट एक्स तो नहीं ना, टी पे हम लोग निकाल रहे हैं, टी टी बराबर ए। तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू ए माइनस एफ टी, और बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। और यहां पर हम लोग ए नहीं बल्कि कहां पर चेक कर रहे हैं? पाई बाय टू पे। ए नहीं बल्कि कहां पर चेक कर रहे हैं? पाई बाय टू पे। तो ए के जगह लिख दीजिए पाई बाय टू, ए के जगह लिख दीजिए पाई बाय टू, ए के जगह आप लिख दीजिए पाई बाय टू, बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, पाई बाय टू माइनस एच है यानी कि पाई बाय टू से छोटा। पाई बाय टू माइनस एच का मतलब पाई बाय टू से छोटा यानी कि पाई बाय टू के बाएं तरफ, यानी कि पाई बाय टू के बाएं तरफ। और बाएं तरफ वैल्यू है आपका कितना? कॉस टी। टी के जगह पे पाई बाय टू माइनस एच बाय पाई बाय टू माइनस टी के जगह पे पाई बाय टू माइनस एच। टी के जगह पर आपका हो गया पाई बाय टू माइनस एच। पाई बाय टू कैंसिल। पाई बाय टू का मतलब 90 डिग्री हो जाता है, पाई बाय टू का मतलब 90 डिग्री। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन टी, और टी के जगह पे एच लिखिएगा, टी के जगह पे एच, और यहाँ पर माइनस गुनी माइनस प्लस हो गया, माइनस गुनी माइनस प्लस प्लस एच। और याद कीजिए तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स बराबर क्या होता है? वन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स बराबर होता है वन, यानी कि इस भाई साहब का वैल्यू हो गया वन, यानी कि इस भाई साहब का वैल्यू वन। कहने का मतलब है कि एल एच एल आपका निकल गया वन। एल एच एल कितना निकल गया प्यारे बच्चों? वन। एल एच एल आपका निकल गया वन। अब आप आर एच एल निकाल लीजिए, अब आप निकाल लीजिए आर एच एल। तो आर एच एल एट एक्स बराबर पाई बाय टू, एक्स नहीं बल्कि टी है तो टी लिख दीजिए, लिमिट टी टेंस टू पाई बाय टू प्लस एफ टी,
यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, यानी कि पाई बाय टू प्लस एच बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो पाई बाय टू प्लस, यानी पाई बाय टू से ज़्यादा, पाई बाय टू से ज़्यादा आपका वैल्यू है कॉस टी बाय पाई बाय टू माइनस टी, और यहाँ पर कॉस टी के जगह पे पाई बाय टू प्लस एच, टी के जगह पे पाई बाय टू प्लस एच, टी के जगह पे पाई बाय टू प्लस एच, नीचे पाई बाय टू माइनस टी, टी के जगह पे पाई बाय टू प्लस एच, टी के जगह पे पाई बाय टू प्लस एच, टी के जगह पे पाई बाय टू प्लस एच। अब देखें तो नीचे पाई बाय टू कैंसिल हो गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो कॉस नब्बे प्लस थीटा, कॉस नब्बे प्लस थीटा, नब्बे प्लस थीटा आपका दूसरा घर में जाएगा, दूसरा घर में कॉस नेगेटिव होता है और नब्बे पे बदल जाता है, यानी कि माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस नब्बे प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, नब्बे प्लस थीटा दूसरा घर में जाएगा, दूसरा घर में कॉस निगेटिव यानी माइनस होगा, और 90 पे कॉस बदल के साइन में हो जाता है यानी कि साइन थीटा, यानी कि आपका क्या हो गया माइनस साइन एच, नीचे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपका क्या मिल गया लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एच बाय एच, जिसका वैल्यू होता है वन, जिसका वैल्यू होता है वन, यानी कि एल एच एल भी आपका वन आया और आर एच एल भी आपका वन आया, एल एच एल भी वन आ गया, आर एच एल भी वन आ गया। अब एफ पाई बाय टू निकालिए, तो एफ पाई बाय टू बराबर, जब पाई बाय टू के बराबर है तो वैल्यू है वन, पाई बाय टू के बराबर है तो वैल्यू है वन, इस प्रकार से तीनों आपका बराबर हो गया, इस प्रकार से तीनों आपका बराबर, अतः दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या लिखेगा, चूंकि एल एच एल एट टी बराबर पाई बाय टू बराबर आर एच एल एट टी बराबर पाई बाय टू बराबर एफ टी, यानी कि एफ पाई बाय टू, एफ पाई बाय टू, अतः एफ टी टी बराबर पाई बाय टू पर सी टी एस का मतलब कंटिन्यूअस यानी कि संतत है, यानी कि संतत है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, आप फटाफट नोट कीजिए और फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, आप तेज़ी से नोट कीजिए इसको। फटाफट आप लोग नोट कीजिए इसको। हो गया नोट तो बोलिए हो गया, यदि आप लोग नोट कर लिए तो बोलिए हो गया। हो गया बेटा नोट कर लिया आप लोग, चलिए वेरी गुड। हो गया तो कोमल रानी का हो गया है, वेरी गुड स्नेहा निधि का हो गया है,
बहुत अच्छी बातें हो गया। तो बेटा आंचल प्रिया का हो गया है, सिकंदर शुभम शर्मा सबका हो गया है, बहुत बहुत मुबारक। सौरभ का हो गया, अमित कुमार का हो गया है, ऑगस्टिया का हो गया है, हैकर बॉय का हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड हो गया है। तो शुभम कुमार गुड मॉर्निंग बोल रहा है बेटा, अब तो रात होने वाली है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, गुड मॉर्निंग कहाँ से रहा, अब दिन के 2 बजने वाले हैं बेटा, अब दिन के 2 बजने वाले हैं, सुबह अभी सोकर जगा है क्या? अभी सोकर जगा है। चलिए ठीक है, कोमल रानी क्या है, गंगा पिया है सर। कोमल रानी आप बताए नहीं कि आप बताए नहीं कि परवीन कहाँ है, परवीन क्यों नहीं क्लास करता है? कोमल रानी आपके घर का बगल का है, आप क्यों नहीं बताते हैं जी? कोमल रानी घर के बगल का आपका परवीन है, आपको नहीं मालूम है परवीन कहाँ है? परवीन लापता हो चुका है क्लास से, फटाफट बताइए कोमल रानी के परवीन कहाँ है, उसके घर पे जाकर पता कीजिए, उसके घर पे जाकर पता कीजिए, क्लास नहीं करता है वो, शिकायत कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लेट एफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। ए एक्स इक्वल टू 0, रूट एक्स बाय रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, एक्स इज ग्रेटर देन 0 कहता है कि यदि यदि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पे संतत है तो ए का मान ज्ञात करें, डिटरमाइन the value of a so that fx is continuous at x बराबर 0। ये क्वेश्चन जो है कि आपका CBSE वाले बोर्ड में कई बार आ चुका है, समझ गए? CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार आ चुका है, ठीक है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। चलिए तो सबसे पहले आप एक रियल लाइन बनाइए, आधा सवाल तो रियल लाइन बनाने पे ही बन जाता है, रियल लाइन बना लीजिए आप। इधर आपका प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये आपका हो गया 0। जब 0 से छोटा है, छोटा का मतलब हम लोग बाएं तरफ जाएंगे, छोटा का मतलब बाएं तरफ जाएंगे, जब 0 से छोटा है तो एफ एक्स बराबर है आपका 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर। जब 0 से बड़ा है तो हम लोग दाएं तरफ जाएंगे, बड़ा है तो दाएं तरफ जाएंगे,
एफ एक्स बराबर है रूट एक्स बाय अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, और जब 0 के बराबर है तो एफ एक्स बराबर है ए, जब 0 के बराबर है तो एफ एक्स बराबर ए। और इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, बनाना है, दिया हुआ है कि ये फंक्शन आपका x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, ये पहले ही दिया हुआ है कि x बराबर a पर कंटिन्यूअस है। हम लोगों को a का वैल्यू निकालना है, समझ गए, हम लोगों को a का वैल्यू निकालना है। क्या लिखिएगा, लिखिएगा इस प्रकार से, चूंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी कि चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पे संतत है, देयरफोर LHL एट x बराबर a बराबर RHL एट x बराबर a बराबर FA। चूंकि कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और FA आपका तीनों बराबर होगा, चूंकि कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और FA आपका तीनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, समझ गया। यानी कि आपका क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर FA, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, ये तीनों आपका बराबर दिया हुआ है। तो हम लोगों को ए का वैल्यू निकालना है, हम लोगों को ए का वैल्यू। लेकिन बेटा यहाँ पर जो है ना, ये आपका एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूटी है, एक्स बराबर 0 पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, और हम लोग फॉर्मूला लिख दिए हैं x बराबर a पे, हम लोग फॉर्मूला लिख दिए हैं x बराबर a पे। तो हर a को आप 0 बना दीजिए, हर a को आप क्या कीजिए, 0 बना दीजिए, हर a को आप बना दीजिए 0, हर a को आप बना दीजिए 0, जहाँ जहाँ a है उसको आप बना दीजिए 0, जहाँ जहाँ a है उसको आप बना दीजिए 0, ठीक। अब देखिए तो क्या हो गया, लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस यानी 0 से कम, 0 माइनस यानी 0 से कम, तो वैल्यू यहाँ से मिलेगा कितना है, 1 माइनस कॉस 4x, x के जगह पे 0 माइनस h बाय x स्क्वायर, x के जगह पे 0 माइनस h का स्क्वायर बराबर लिमिट s टेंस टू 0, 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा, 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा, वैल्यू यहाँ से मिलेगा, तो रूट एक्स, एक्स के जगह पे 0 प्लस एच बाय रूट 16, एक्स के जगह पे 0 प्लस एच और माइनस 4, और एफ 0, जब 0 के बराबर है तो वैल्यू आपका है 1, ए जब 0 के बराबर है तो वैल्यू क्या है, ए जब 0 के बराबर है तो वैल्यू आपका है ए, यानी कि ये भाई साहब हो गया ए के बराबर, किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या हो गया, लिमिट एस टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4h, क्योंकि माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो गया, यानी कि आपका हो गया एच स्क्वायर बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 रूट एच बाय रूट 16 प्लस रूट एच माइनस फोर। और यहाँ पर आप हर का परिमेयकरण कर लीजिए, यहाँ पे आप हर का परिमेयकरण कर लीजिए, तो रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 बाय रूट 16 प्लस रूट एच प्लस आपका हो गया 4 बराबर ए, बराबर आपका हो गया ए, बराबर आपका हो गया ए,
होप कि आप इधर लिख लिए होंगे, इस तरफ आप लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए तो क्या मिला, अब देखिए तो आपको क्या मिला, बराबर 2 sin² a/2। फॉर्मूला होता है 1 - cos a = 2 sin² a/2। इस फॉर्मूला को हम लोग ऊपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, इम्प्लाइज लिमिट s → 0 और आपका हो गया 2 sin² a/2 यानी कि 4h/2 और नीचे तो आपका h स्क्वायर है तो लिख दीजिए, बराबर लिमिट s → 0। और अब उसको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो अब देखिए तो आपका क्या बचा, अब आपका हो गया बराबर, हाँ लिमिट s टेंस आपका कितना है, √h/√16+√h और आपका हो गया +4। नीचे a + b (a - b) का मतलब a² - b² यानी कि √16+√h² - 4² माइनस हो गया 4² बराबर a, बराबर आपका हो गया a। तो अब देखो बेटा ये आपका दो बार में खत्म हो गया, तो इम्प्लाइज लिमिट s → 0 2/h² और साइन 2h बचा ना, 2h से भाग दे दीजिए और 2h से गुना कर दीजिए, पावर 2 था तो पावर हम लोग 2 लिख दिए, पावर 2 था तो पावर 2 हम लोग इसको लिख दिए। और अब देखिए तो क्या मिला, अब आपको क्या मिला, तो बराबर लिमिट s → 0 √h√16+√h+4, नीचे a रूट और स्क्वायर दोनों है तो दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि 16 - 16+√h आपका बचेगा -4 * 16 बराबर a। पर रूट और स्क्वायर दोनों हम लोग खत्म कर दिए, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, 16 आपका खत्म हो गया, तो क्या मिला देखिएगा, तो लिमिट s → 0 2/h² sin 2h/2h² / 4h² बराबर लिमिट s → 0 √h√16+√h+4/√h = a = आपका हो गया a। और अब जो है कि हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हम लोग बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, h आपका कैंसिल और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1। लिमिट x → 0 sin x/x होता है 1, लिमिट x → 0 sin x/x होता है 1। तो क्या हो गया बोलिए तो, ये दोनों भी ऐसा भी खत्म, यानी कि 2 × 1² × 4 बराबर h के जगह पे 0 रख दीजिए, तो √16+√0+4 बराबर a। 4 × 8 8 बराबर 16 का वर्गमूल 4 = 8 बराबर a, दैट इज a बराबर कितना हो गया 8। समझ गए a बराबर क्या निकल गया, तो a बराबर निकल गया हम लोगों का 8, a का मान पूछ रहा था और a का मान हम लोग निकाल लिए 8, a का मान पूछ रहा था और a का मान हम लोग निकाल लिए 8। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, कोई समस्या है तो बोलिए, होप कि अभी मैं जो बता रहा हूँ
आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, समझ गए आप लोगों को क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कीजिए, प्यारे बच्चों अब आप इसको नोट। सर आप यूं ना मुस्कुराए, कुछ कुछ होता है, अरे मारवो। लिख लिए, लिख लिए तो मैं जो है कुछ क्वेश्चन को आपके लिए लिख देता हूं, एक और बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए बेटा, सबका हो गया, कोमल रानी का हो गया है, शुभम का हो गया है, चलिए वेरी गुड, मिटा दे बेटा, बोलो मिटा दे, सबका हो गया तो मिटा ही देते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताते हैं, चलिए हो गया है तो मैं मिटा देता हूं। अमर कुमार का हो गया है, स्नेहा का हो गया, चलिए वेरी गुड, हैकर बॉय आशीष का हो गया है, अच्छी बात है हो गया है तो। एक क्वेश्चन, तब तक मैं पहले इंक भर लेता हूँ, थोड़ा बोर्ड भी सूख जाएगा, मैं इंक भर लेता हूँ, थोड़ा बोर्ड सूख जाएगा बेटा। बस अब आखिरी क्वेश्चन आज का हम लोग पढ़ेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, समझ गए, आज का आखिरी क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है दिखाएं कि fx बराबर 2x माइनस मोड x x बराबर 0 पे संतत है। इंग्लिश में शो दैट द फंक्शन fx = 2x - mod x इज कंटिन्यूअस एट x = 0, इज कंटिन्यूअस एट x = 0, समझ गए। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्व। आइए इसको लिखा जाए सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों देखिए fx बराबर है 2x - mod x, और याद कीजिए कि मैं आप लोगों को बताया था कि जब मॉड लिखा हुआ रहे ना तो उस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ता है, जब मॉड लिखा हुआ रहे तो उस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ता है, यानी कि फिर से परिभाषित करना पड़ता है। जब मॉड लिखा हुआ रहे तो फंक्शन को रीडिफाइन यानी कि फिर से परिभाषित करना पड़ता है। तो आइए इसको फिर से परिभाषित कीजिए, कैसे कीजिएगा आप ध्यान से देखिएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2x माइनस
एक्स आपका नेगेटिव मिलेगा यदि एक्स इज लेस देन जीरो। यदि एक्स आपका लेस देन जीरो होगा तो एक्स नेगेटिव मिलेगा, और एक्स आपका पॉजिटिव मिलेगा यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स आपका पॉजिटिव मिलेगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ गए, निगेटिव में आपका माइनस वैल्यू मिलेगा, यानी कि निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो में वैल्यू निगेटिव मिलेगा, और आपका पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ा अथवा बराबर पे वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और इसको देखिए तो आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस गुनी माइनस प्लस, दो और एक तीन, तीन एक्स मिलेगा जब एक्स इज लेस देन जीरो, दो एक्स से एक्स गया एक्स मिलेगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अब जो है ना इस फंक्शन को हम लोग बढ़िया रूप में लिख दिए, इस दिए गए फंक्शन को हम लोग बढ़िया रूप में लिख दिए, और अब आप इसको रियल लाइन पे दिखाइए, अब आप इसको रियल लाइन पर दिखाइए। तो रियल लाइन पे कैसे दिखाइएगा, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो, जीरो से बड़ा अथवा बराबर, जीरो से बड़ा अथवा बराबर पर वैल्यू है एक्स, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा पर वैल्यू है आपका थ्री एक्स, जीरो से छोटा पर वैल्यू है आपका थ्री एक्स, जीरो से छोटा पर वैल्यू आपका है थ्री एक्स। हम लोग रियल लाइन पे दिखा दिए, अब आप क्या कीजिए, एल एच एल और आर एच एल निकाल लीजिए। अब आप पहले एल एच एल निकाल लीजिए, यानी कि एल एच एल एट एक्स बराबर ए बराबर फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, यानी कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। लेकिन हम लोग ए पे नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे, हम लोग ए पर नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग जीरो पे चेक कर रहे हैं। तो ए के जगह पे जीरो रख दीजिए, ए के जगह पे जीरो रख दीजिए आप, ए के जगह पे आप रख दीजिए जीरो, ए के जगह पे रख दीजिए जीरो बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस यानी जीरो से कम, जीरो से कम वैल्यू है थ्री एक्स, यानी थ्री और एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच, थ्री एच के जगह जीरो रख दीजिए, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, और जीरो इंटू थ्री आपका हो गया जीरो, यानी कि एल एच एल आपका निकल गया जीरो, एल एच एल आपका हो गया जीरो। आर एच एल निकाल लीजिए, आर एच एल एट एक्स बराबर ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच। लेकिन हम लोग ए पे नहीं बल्कि जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ए के जगह पे जीरो रख दीजिए, ए के जगह पे जीरो रख दीजिए, ए के जगह पे आप जीरो रख दीजिए बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो प्लस यानी जीरो से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा पे वैल्यू है एक्स, तो एक्स के जगह पर आपका जीरो प्लस एच, एक्स के जगह पर आपका हो गया जीरो प्लस एच, और अब एच के जगह पे जीरो रख दीजिए तो जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो। तो एल एच एल भी जीरो हो गया और आर एच एल भी आपका हो गया जीरो। और अब क्या कीजिए आप, अब आप एफ ए निकाल लीजिए, यानी कि एफ जीरो, और जब एक्स जीरो के बराबर है तो वैल्यू कितना है थ्री एक्स, वैल्यू है थ्री एक्स, यानी कि थ्री इन टू जीरो बराबर जीरो। जब एक्स जीरो के बराबर है, थोड़ी सॉरी सॉरी एक्स है, सिर्फ वैल्यू एक्स है, सिर्फ वैल्यू क्या है x, और x का मतलब तो आप अभी तुरंत बोले ना जीरो, x का मतलब तो आप जीरो ही बोले, यानी कि f जीरो बराबर जीरो हो गया। तो एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका बराबर हो गया, एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका बराबर हो गया। क्या लिखिएगा, चूंकि एल एच एल एट x बराबर जीरो बराबर आर एच एल एट x बराबर जीरो बराबर f जीरो, अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पे संतत है। इंग्लिश में सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो।
और इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कि मैं दो दिन से, कल और आज दोनों दिन में आप लोगों को केसी सिन्हा से पढ़ाया, अब फिर कल जो है आपका एनसीईआरटी से मैं शुरू कर दूंगा, समझ गए, कल आपका एनसीईआरटी से एक सुर से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं कल। चलिए, जय हिंद। आप लोग बेटा आज लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, क्या बात है, आज लाइक नहीं हुआ है बेटा वीडियो, लाइक कीजिए आप लोग, नुनु लाइक करो बेटा, लाइक करो, सब लाइक करो वीडियो को, लाइक नहीं हुआ है, लाइक करो फटाफट, लाइक करो सब, लाइक कीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप लोगों को, फटाफट लाइव जुड़ जाइए, फटाफट आप लोग लाइव जुड़ जाइए, और जो जो लाइव है अपना अटेंडेंस बनाइए, अपना आप लोग अटेंडेंस बनाइए, जो जो लाइव है पता चले कि कौन कौन है अभी लाइव में। पिछले क्लास में मनीष कुमार है, अंकेश कुमार है, ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग केसी सिन्हा से पढ़े थे, समझ के, केसी सिन्हा से पढ़े थे, और अब जो है कि फिर कुछ थ्योरी के साथ मैं आपको एनसीईआरटी शुरू कर देता हूँ, कुछ थ्योरी बताकर मैं आपको एनसीईआरटी फिर से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है, तो आइए उस थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं, इस थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, तो कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, हाँ, यानी कि बाएं से सांतत्य, बाएं से सांतत्य, हम लोग कंटिन्यूटी फ्रॉम पढ़ते हैं लेफ्ट, समझ गए। तो क्या होता है, बराबर एफ ए हो, यानी कि LHL और FA आपका बराबर हो, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। थोड़ा सा नेटवर्क में इशू है, अब नहीं रुकेगा, थोड़ा नेटवर्क में इशू हो गया था, अब नहीं रुकेगा, समझ गए, अब नेटवर्क ठीक हो गया है, अब नेटवर्क आपका ठीक हो गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल में सांतत्य क्या होता है। डेफिनेशन है इस प्रकार से, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। हिंदी में एक फलन एफ एक्स
खुला अंतराल ए बी में संतत होगा यदि एफ एक्स खुला अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। यानी कि कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए क्या कि ये आपका प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये ए और बी है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया? ना तो ए शामिल है और न ही बी शामिल है। ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि ना तो ए शामिल है और न ही बी, लेकिन ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है, ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए और बी को छोड़कर ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है, यदि हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो इसको कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल बोलते हैं। यानी कि खुला अंतराल के हर एक बिंदु पे यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, खुला अंतराल के हर एक बिंदु पर यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल में संतत। हम लोग इसको बोलते हैं खुला अंतराल में संतत, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। आप लोग लिखते जाइएगा कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल में, बंद अंतराल में संतत। समझ गए? थोड़ा सा थ्योरी है, एक दो थ्योरी और बताएंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट नंबर वन, FX is continuous at A from right, that is limit x tends to a plus fx barabar fa. Number two, fx is continuous at b from left, that is limit x tends to b minus fx barabar fb. Number three, fx is continuous in open interval in open इंटरवल ए बी। पहले मैं इसको हिंदी में लिखता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले इस डेफिनेशन को मैं हिंदी में लिखता हूं, फिर मैं समझाता हूं। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं मिटाकर मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए उसका मैं हिंदी में अब लिखता हूं, उसको मैं अब लिखता हूं हिंदी में। देखिए हिंदी में आपका क्या है।
हिंदी में आपका क्या है? एक फलन, एक फलन एफएक्स बंद अंतराल, बंद अंतराल ए बी में संतत होगा यदि नंबर एक, यदि नंबर एक लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, नंबर दो लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ एक्स बराबर एफ बी, नंबर तीन एफ एक्स खुला अंतराल ए बी में संतत हो। समझ गए? इसको एक डायग्राम से मैं जब आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। एक डायग्राम से समझिए, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी, ए और बी, ये आपका है ए और बी, और ए बी जो है ना आपका क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है। ए बी आपका है क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल, और बंद अंतराल पे क्लोज इंटरवल पे जो है हम लोग एंड पॉइंट को यानी कि आखिरी बिंदु को ले लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे, और ए और बी के बीच के सारे बिंदु को लेंगे। यहाँ पर हम लोग ए को लेंगे, बी को लेंगे, और ए और बी के बीच के सारे, ए उसको बंद कर दीजिएगा, अंदर से बाहर से नहीं। हाँ समझ गए? अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, ये भाई साहब ए, ये भाई साहब आपका हो गया बी। तो ए पर आपका कंटिन्यूअस हो कहां से? दाएं तरफ से। ए पर कंटिन्यूअस हो दाएं तरफ से, बी पर कंटिन्यूअस हो बाएं तरफ से। समझ गए? ए पर कंटिन्यूअस हो दाएं तरफ से, बी पर कंटिन्यूअस हो बाएं तरफ से, और अब जो है ना कि यदि ए और बी को छोड़ देते हैं तो ए और बी के बीच में जितने भी बिंदु है जिसको आप ओपन इंटरवल बोलिएगा, जिसको आप ओपन इंटरवल बोलिएगा, तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल के हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो, तब ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको फटाफट आप नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए आप इसको। नोट कीजिए, थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा सा भारी लगता है लेकिन थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप थ्योरी समझ जाते हैं, यदि आप थ्योरी समझ जाते हैं तो फिर जो है आपको, फिर आपको एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं होती है। यदि मैं डायरेक्ट सवाल बता दूं तो प्यारे बच्चों आपको दिक्कत हो सकती है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने में, इसीलिए थ्योरी बताना पड़ता है। थ्योरी थोड़ा सा भारी लगता है लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोगों को भारी ही पढ़ना है ताकि आगे चल के दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए ठीक है, होप कि आप इसको लिख लिए होंगे, आप इसको लिख लिए होंगे। बस दो डेफिनेशन और लिखना है, दो डेफिनेशन लिखना है, इसके बाद फिर एनसीईआरटी से मैं शुरू हो जाऊंगा। दो डेफिनेशन और लिखना है जिसमें आपका है कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि संतत फलन। इसका डेफिनेशन क्या होता है? यदि हम लोग कहते हैं कि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, यदि हम लोग कहते हैं कि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, इसका मतलब होता है वह फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। समझ गए? यदि हम लोग कहते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है,
इसका मतलब वह फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। समझ गए? यदि हम लोग कहते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वह फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। यदि हम लोग कहते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वह फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। समझ गए? ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन इफ इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। एक फलन संतत फलन कहलाता है यदि वह फलन अपने प्रांत में संतत है। यानी कि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तब कहलाएगा जब वह फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो। समझ गए? जब वह फंक्शन आपका अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो। और एक अब आखिरी आपका डेफिनेशन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिखेंगे। यदि कोई फंक्शन कंप्लीट रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन आपका कंप्लीट रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि पूरे रियल नंबर पे आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि हर जगह पे कंटिन्यूअस है, यानी कि हर जगह पे कंटिन्यूअस है। कोई फंक्शन आपका कहलाता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस कब? जब वो आपका कंप्लीट रियल लाइन पे कंटिन्यूअस हो। समझ गए? कंप्लीट रियल लाइन पे कंटिन्यूअस हो। यानी कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी कि यदि कोई फंक्शन कंप्लीट रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन आपका रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वह फंक्शन कहलाता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि तब वह फंक्शन कहलाता है आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। थ्योरी खत्म। अब आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकालिए। फिलहाल अभी थोड़ा देर के लिए थ्योरी खत्म हो गया, आप एनसीईआरटी की बुक निकालिए, समझ गए, और एग्जाम्पल नंबर एक से पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक निकालिए और एग्जाम्पल नंबर वन से पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, हम लोग एक नंबर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। समझ गए? एक नंबर से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तेजी से निकालिए आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए और इसको भी लिख लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा तभी आगे बताऊंगा, इसको मिटाने के बाद ही मैं आगे बताऊंगा। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, इसको भी आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी की बुक भी मीनवाइल आप अपने पास रख लीजिए। मीनवाइल आप लोग एनसीईआरटी का बुक अपने पास रख लीजिए और उदाहरण नंबर एक निकाल लीजिए। उदाहरण नंबर एक स्नेहा निधि का हो गया है, चलिए ठीक है, स्नेहा निधि हो गया है, तो और भी बच्चे हैं उनको भी लिखने दीजिए।
और भी बच्चे हैं उनको भी लिखने दीजिए, और आप लोग बुक खोलिए, जो जो बुक निकाले, जो जो बुक निकाला आप लोग हाथ उठाइए। तो कौन कौन बुक निकाल लिया, जो जो बुक निकाला है हाथ उठाओ। नो, जो जो बुक निकाला है हाथ उठाओ। लिख लिए सब लोग? चलो सुपर फास्ट, हैकर आशीष, ये लोग लिख लिया है, अमन राज का हो गया है। चलो जो जो बुक निकाला, जो जो बुक निकाला हाथ उठाओ। स्नेहा निधि हाथ उठा दी है, और हाथ उठाओ, जो जो बुक निकाला हाथ उठाओ फटाफट। जो जो बुक निकाल चुका है हाथ उठाओ। सुपर फास्ट चैनल का आ गया राज रुद्रा, सॉरी सर बुक नहीं है। बुक कहाँ है राज रुद्रा, बुक कहाँ रखा है? नो, बिना बुक का कैसे पढ़ेगा जी? घर पे लगता है राज रुद्रा आर एस अग्रवाल का बुक लेके गया है क्या? राज आर एस अग्रवाल का बुक लेके गया है क्या घर पे? चलो बुक नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बुक नहीं है तो कैसे पढ़ेगा बेटा? एग्जाम्पल नंबर वन निकालो, एग्जाम्पल नंबर वन। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर वन क्या है, एग्जाम्पल वन देखो। एग्जाम्पल वन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। पहले एक बार जो है ना फॉर्मूला हम लिख देते हैं, तब आप लोगों को बताते हैं। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, तब आप लोगों को बताते हैं, समझ गए? देखिए कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए, इसको दो भागों में बांटते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, या यही आपका कहलाता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। इसको एल एच एल एट एक्स बराबर ए बोलते हैं, और इसको आर एच एल एट एक्स बराबर ए बोलते हैं, समझ गया? ये आपका कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, और अब जो है ना इसी पे हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन, समझ गए? हम लोगों को इसी पे पढ़ना है क्वेश्चन। देखो नुनु आपका एग्जाम्पल वन क्या है, एग्जाम्पल वन एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री है एट एक्स बराबर वन पे हम लोगों को चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है? तो देखो जब छोटा या बड़ा दिया रहा है ना, जब छोटा या बड़ा दिया रहा है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग केसी सिन्हा से पढ़े थे ना कुछ क्वेश्चन को, उसमें देखो छोटा और बड़ा दिया हुआ रहता था कि जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, जीरो के बराबर है। जब वैसा केस रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वैसे केस में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और जब छोटा बड़ा आपका नहीं दिया हुआ रहे कि किससे छोटा है या किससे बड़ा है, जब छोटा बड़ा नहीं दिया रहा है कि किससे छोटा है किससे बड़ा है, उस केस में ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उस केस में कंटिन्यूटी के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, यदि आपका दिया हुआ है छोटा बड़ा तो वैसे केस में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे कि मैं केसी सिन्हा साहब को बताया था। और यदि आपका छोटा बड़ा नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। जैसे इस केस में छोटा बड़ा आपका नहीं है, इस केस में छोटा बड़ा नहीं है तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो देखो क्या है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा लिमिट, लेकिन एक्स टेंड्स टू ए के जगह वन है तो ए के जगह वन ले लेंगे, ए के जगह वन।
लिमिट एक्स टेंस टू वन, एफ एक्स का मतलब है 2x+3, fx का मतलब है 2x+3, x के वैल्यू रख दीजिए 2 × 1+3, 2 × 1 = 2 और 3 = 5, यानी कि वैल्यू मिल गया 5, यानी कि वैल्यू मिल गया 5, समझ गए, वैल्यू मिल गया 5। और अब देखो नुनू, अब एफ ए निकाल लीजिए, एफ ए यानी कि एफ वन, आप यहां पर डायरेक्ट एक्स के जगह 1 रख दीजिए, डायरेक्ट में आप एक्स के जगह 1 रख दीजिए, आप डायरेक्ट एक्स के जगह 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × 1+3, 2 × 2 = 3, 5, 2 × 2 = 3, 5, 2 × 2 = 3, 5, समझ गए, यानी कि एफ वन बराबर 5 और इसका लिमिटिंग वैल्यू भी हो गया 5, तो दोनों बराबर हो गया, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या लिखिएगा, चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर एफ वन, अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पे संतत है, अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत है। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। सीटीएस का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, CTS का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए, पहला एग्जाम्पल हम लोग बना लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब देखो तो लास्ट, अब सेकेंड नंबर एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखो नुनू, एग्जाम्पल टू क्या है, देखो तो एग्जाम्पल टू है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 8x = 0, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है 8x = 0, और ये भी भाई साहब जो है ना, यहाँ पर छोटा और बड़ा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर छोटा और बड़ा नहीं है, समझ गए, यहाँ पर छोटा और बड़ा नहीं है, तो ऐसे केस में आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ऐसे केस में आपको ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर, क्योंकि हम लोगों को ए पर नहीं बल्कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है, 0 पे, हम लोगों को ए पर नहीं बल्कि 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए लिख दिए 0। अब देखो दोनों क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर, और x के जगह पर रख देते हैं 0, x के जगह पर रख देते हैं 0, 0² = 0, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू मिल गया आपको 0, लिमिटिंग वैल्यू मिल गया 0, और अब आपको एफ ए निकालना है, a पर चेक करना है, a का मतलब 0, एफ 0 निकाल लीजिए, एफ 0 यानी कि डायरेक्ट आप x के जगह पे 0 रख दीजिए, आप डायरेक्ट x के जगह पे 0, तो 0² यानी कि 0, 0² यानी कि 0, f 0 = 0 और इसका लिमिटिंग वैल्यू भी हो गया 0, तो दोनों बराबर हो गया, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिखिएगा चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 fx = f0, अतः fx x = 0 पे कंटिन्यूअस है, CTS का मतलब कंटिन्यूअस, CTS का मतलब आपका हो गया कंटिन्यूअस, इसीलिए यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो और अब देखिए, अब आपका हो गया एग्जाम्पल थ्री में आपका क्या है, fx = मॉड एक्स fx = mod x at x = 0, और याद कीजिए, मैं आपको बताया था कि जब मॉडुलस फंक्शन रहेगा इसको फिर से डिफाइन करना पड़ता है, मैं आपको बताया था कि यदि मॉडुलस फंक्शन रहे तो इसको फिर से डिफाइन करते हैं, यदि मॉडुलस फंक्शन रहे
तो इसको रीडिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन कीजिएगा देखिए, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो। एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स यदि एक्स आपका लेस देन जीरो, और प्लस एक्स हो जाएगा यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और प्लस एक्स हो जाएगा यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्लस एक्स हो जाएगा यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो है ना छोटा बड़ा वाला केस आ गया, अब यहाँ पर छोटा और बड़ा का केस आ गया। ऐसे केस में आपको रियल लाइन पे दिखाना चाहिए, ऐसे केस में आपको रियल लाइन पे दिखाना चाहिए। तो रियल लाइन पे कैसे दिखाइएगा, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जीरो, जीरो से छोटा पर आपका वैल्यू है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, और जीरो से बड़ा अथवा बराबर, बराबर रहे तो डार्क कर दीजिए, इस केस में एफ एक्स बराबर है एक्स, इस केस में एफ एक्स बराबर है एक्स। छोटा मतलब बाएं तरफ आना है, बड़ा मतलब दाएं तरफ जाना है, छोटा में बाएं तरफ आना है, बड़ा में दाएं तरफ जाना है। और अब यहाँ पर जो है ना आपका LHL RHL का फॉर्मूला लगेगा, अब यहाँ पर आपको LHL और RHL का फॉर्मूला यूज करना है। तो आइए लिखिए, LHL एट x बराबर a बराबर होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ये जो है ना LHL का फॉर्मूला है, लेकिन हम लोगों को चेक करना है जीरो पे, हम लोगों को चेक करना है जीरो पे, हम लोगों को चेक करना है जीरो पे। तो ए के जगह पे लिख देते हैं जीरो, ए के जगह पे लिख देते हैं जीरो, ए पे ए के जगह पे हम लोग लिख देते हैं जीरो, क्योंकि हम लोगों को जीरो पे चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा वैल्यू आपका क्या है माइनस एक्स, जीरो से छोटा वैल्यू है माइनस एक्स, माइनस एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच, लेकिन एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच, एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच। तो अब लिमिटिंग वैल्यू रखिए, तो माइनस जीरो और एच के जगह पे जीरो, कहने का मतलब LHL बराबर आपका आ गया जीरो, कहने का मतलब है LHL बराबर आपका आ गया जीरो। अब RHL देखो नुनु, अब RHL देखो तो क्या है, RHL एट x बराबर a, एट x बराबर a बराबर होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। ये आपका RHL का फॉर्मूला होता है, ये आपका RHL का फॉर्मूला है, लेकिन a पर आपको चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है जीरो पे, आपको a पर नहीं बल्कि आपको जीरो पे चेक करना है। तो a की जगह रख दीजिए जीरो, a की जगह आप रख दीजिए जीरो, a की जगह आप रख दीजिए जीरो बराबर लिमिट s टेंस टू जीरो, जीरो प्लस मतलब जीरो से ज़्यादा, जीरो प्लस मतलब जीरो से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा पे वैल्यू है x, जीरो से ज़्यादा पे वैल्यू है x, लेकिन x के जगह पर रखिए जीरो प्लस h, x के जगह पर रखिए जीरो प्लस h, x के जगह पर रखना है जीरो प्लस h। अब लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए, जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो, जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो। तो LHL भी जीरो आ गया, RHL भी जीरो, दो चीज़ निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है FA, अब क्या निकालना आपको FA यानी कि F जीरो, F जीरो। जब जीरो के बराबर है, जब जीरो के बराबर है तो वैल्यू है X, और X का मतलब तो आप जीरो ही बोले ना, X का मतलब जीरो ही तो बोले, ये आपका हो गया जीरो, ये आपका हो गया जीरो, यानी कि तीनों आपका बराबर हो गया, तीनों आपका बराबर हो गया, इसीलिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। क्या लिखेंगे, चूंकि LHL एट x बराबर जीरो
बराबर आर एच एल एट एक्स बराबर जीरो बराबर एफ जीरो। अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पे कंटिन्यूअस है। इंग्लिश में सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। इंग्लिश में सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। ठीक है, होप कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, होप कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे। फटाफट इसको नोट करो और अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल फोर। अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल फोर, फटाफट नोट करो। अमन राज का हो गया है, चलो ठीक है, अमन राज हो गया तो वेरी गुड, लिख लिया तो नूनू। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है आपका, है एग्जाम्पल फोर। एग्जाम्पल फोर, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस थ्री इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और वन है इफ एक्स इक्वल टू जीरो और वन है इफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम लोगों को चेक करना है एट एक्स बराबर जीरो पे, हम लोगों को चेक करना है एट एक्स बराबर जीरो पे, समझ गए, हम लोगों को जीरो पर चेक करना है। ठीक है, तो देखो ये छोटा बड़ा वाला केस है ना, ये तो छोटा और बड़ा वाला केस है, ऐसे केस में आपको रियल लाइन पे दिखाना चाहिए। तो पहले इसको रियल लाइन पे हम लोग दिखाएंगे। ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और ये जीरो। जब जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, जब जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। जब जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। यानी कि इस केस में दोनों ही केस में एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस थ्री, इस दोनों ही केस में एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस थ्री, समझ गए। और जब जीरो के बराबर है तो एक्स बराबर है वन, जब जीरो के बराबर है तो एफ एक्स बराबर है वन, जब जीरो के बराबर है तो एफ एक्स बराबर है वन। और इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं LHL। LHL एट x बराबर जीरो बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो माइनस जीरो से छोटा, वैल्यू यहां से मिलेगा,
लेकिन x के जगह पे 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का क्यूब और प्लस 3, 0 माइनस h का क्यूब प्लस 3, और h के जगह पे 0 रख देते हैं प्लस 3, यानी कि LHL आपका मिल गया 3, यानी कि LHL हम लोगों को क्या मिल गया, LHL मिल गया 3। RHL निकालते हैं, RHL एट x बराबर 0, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0, 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा है वैल्यू x क्यूब प्लस 3, लेकिन x के जगह रखेंगे 0 प्लस h, x के जगह रखेंगे 0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस h पे पावर 3 प्लस 3, और h के जगह पे 0 कहने का मतलब है वैल्यू मिल गया 3। LHL भी 3 है, RHL भी 3 मिल गया, LHL भी 3 है और RHL भी 3। अब आपको FA निकालना है, A के जगह पे 0, और जब x 0 है तो वैल्यू है 1, जब x 0 है तो वैल्यू है 1। तो देखिए LHL और RHL तो बराबर हो गया, लेकिन F0 आपका बराबर नहीं हुआ, लेकिन F0 आपका बराबर नहीं हुआ, इसीलिए यह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। क्या लिखिएगा, चूंकि LHL एट x बराबर 0 बराबर है RHL एट x बराबर 0 और बराबर नहीं है F0 का, और ये F0 के बराबर नहीं है, अतः यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। और कोई बता सकता है कि इस प्रकार के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। वेरी फास्ट जवाब सिकंदर का आया, सुपर फास्ट का आया, एकदम बिल्कुल सही बात है, इसको बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बेटा, तो चलो इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए और फिर देखो, तो देखते हैं और क्या क्या बताना है। इसको नोट कीजिए, और अब जो है ना, अब ऐसा है कि आज इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं, और फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे, अब फिर हम लोग पढ़ेंगे अब कल। ठीक है, 45 मिनट का सेशन हो चुका है, आज इसको मैं समाप्त करता हूं, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी और है। हाँ, अब जो अगला एग्जांपल सब है ना, वो थ्योरी ही है, अब जो अगला एग्जांपल है वो थ्योरी ही है, इसलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं कल। ठीक है, चलिए इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।